Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Next हमारा topic है dose response relationship. तो उस हवाले से अगर हम देखें तो medicine में सबसे अहम चीज ये होती है कि जो आप dose किसी को दे रहे हैं क्या वो उसकी doses के साथ वो correlate कर रही है कि नहीं कर रही. यानी एक छोटा बच्चा है, आप जानते हैं नॉर्मली हमारे घरों में ऐसा होता है, आप देखते हैं कि कहते हैं छोटा बच्चा जी इसको हाफ जो चम्मच है वो जनाब आप दें, इसकी दवाई की जनाब सिरप पिला दें. फिर जब बड़ा हो जाए कहते हैं जी फुल स्पून उसको दे दें, फिर उसके बाद मजीद बड़ा होता है कहते हैं दो चम्मच इसको दे दें. ये सारा क्या है, डोज का रिस्पॉन्स है कि कितनी मिकदार में हमने कोई चीज़ लेनी है और वो किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर जाकर इफेक्ट करती है. तो ये बड़ी अहम टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से अगर देखें तो ये बहुत अहम चीज़ है क्योंकि साइंटिस्ट ने इस पर काफ़ी फोकस किया है कि वो डोज जो बज़ाहिर नुकसानदेह नहीं होती, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो वो आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगी. ठीक है, इस तरह से आप देखें, आप मेडिसिन जो हम बड़े लोग हैं, बड़े जो फर्द हैं, हम जब कोई भी वो टैबलेट्स लेते हैं तो उसके ऊपर मिलीग्राम वगैरह लिखी होती है कि ये मिलीग्राम में है, कितनी क्वांटिटी इसमें मौजूद है. अगर आपने पहले कभी इस पर फोकस नहीं किया तो ये फोकस करने की ज़रूरत है कि वो क्वांटिटी साथ लिखी हुई होती है कि इतने मिलीग्राम में है तो आपने दिन में एक दफ़ा लेनी है. अगर ये उससे हाफ है तो चलें दिन में दो दफ़ा ले लें, लेकिन उस डोज की जो डिज़ायर्ड मिकदार है, कंसनट्रेशन है, उससे आपने ज़्यादा नहीं लेके जाना. ये देखिए ना, ये पार्सलस ने एक बात कही बड़ी प्यारी, कहता है All substances are poison. There is none which is not poison. The right dose differentiates the poison and remedy. अगर वो डोज जो कि एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए अच्छा रोल प्ले करती है, अगर हमने उसकी मिकदार, उसकी गिवन जो वैल्यू थी या कंसंट्रेशन थी उससे अगर ज्यादा ले ली है तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगी. इस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है. ठीक है ना, अब हम इसको पढ़ लेते हैं बारी बारी. तो पार्सलस जो था ये एक साइंटिस्ट था, इसने फर्स्टली रिकॉग्नाइज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इन अ रिलेटिव फिनोमेना दैट डिपेंड नॉट ओनली द टॉक्सिक प्रॉपर्टी बट आल्सो द डोज ऑफ द कंपाउंड एडमिनिस्ट्रेटेड. जो आप डोज खा रहे हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसने चेक करनी है. दिस रिलेशनशिप बिटवीन द डोज कंपाउंड एंड रिस्पॉन्स इट प्रिसाइड्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी. तो सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि नेचर ऑफ द रिस्पांस क्या होता है, कि हम किसी भी बंदे को, किसी भी एनिमल को, किसी इंडिविजुअल को जब कोई मेडिसिन देते हैं, कोई डोज दे रहे हैं, उसका क्या रिस्पांस हो. मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई है कि ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे नहीं होते, इसके लिए वो क्या करते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं. द टॉक्सिक रिस्पॉन्स दैट इज सिंपलेस्ट टू ऑब्जर्व इज द डेथ. अगर सबसे जो इजीली हम टॉक्सिक रिस्पांस ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, एक बंदे को इतनी चीज दिया या एक एनिमल को इतनी चीज दिया वो मर गया. ठीक है ना, बट दिस इज द क्रूड पैरामीटर टू मेजर. कहते हैं कि हम इसको पैरामीटर को कंसिडर नहीं कर सकते, हम इस तरह का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते. तो पैथोलॉजिकली, पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज के रिलेटेड. तो डिजीज के रिलेटेड अगर हम देखें तो जो हमारा वाइटल ऑर्गन लिवर है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक रिस्पॉन्स के हवाले से मुतासर होता है. लिवर सेल में नेक्रोसिस होती है. एक और भी बात आपको बता दूं, डेवलपमेंटल में आपने पढ़ा होगा कि जो लिवर के सेल्स जो होते हैं ना, हेपेटोसाइट्स, ये अपने आप को वो रीन्यू कर लेते हैं. अगर ये नेक्रोसिस में हो जाए, नेक्रोसिस कहते हैं सेल डेथ, तो अगर उनमें सेल डेथ हो जाए तो ये रिपेयर कर लेते हैं हम सेल्स. द टॉक्सिक रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजिकल लिगेंड्स, लिवर सिरोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है. मोर प्रिसाइज में ये रिस्पॉन्स इज द बायोकेमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस. कहते हैं इसके अलावा, यानी रिस्पॉन्स में सबसे पहले हमने देखी डेथ जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, डोज रिस्पॉन्स, उसके बाद लिवर सेल नेक्रोसिस है, उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है. और ये भी होता है कि चूंकि ह्यूमन बींग है ना, चाहे तो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन वो 100% जो है ना वो नहीं असेस कर सकता. और इमीडिएटली हो सकता है कि वो जो डोज को दिया उसने इमीडिएट कोई ना वो उसका कोई रिस्पॉन्स हो, लेकिन कुछ अर्से के बाद रेगुलरली जब उसको इनटेक करता रहेगा तो उसके सेल्स को वो डैमेज करना शुरू करेगा. तो तीन बच्चों आपने ये रिस्पॉन्स इसमें देख ली है,
नेक्रोसिस देख लिया है, फिर कहता है कि कुछ केमिकल चेंजेस आ जाती हैं और केमिकल चेंजेस इसमें आते हैं। अब कहते हैं कि दो तरह का जनाब इसमें होता है रिलेशन, हमने देखा ऑल और नॉन रिस्पॉन्स, या तो सारे काम करेंगे यानी सारा मुकम्मल डोज काम करेगी या कोई नहीं करेगी, इसमें क्या होगा डेथ हो जाएगी, ऑल और नॉन, ऑल और नॉन। ग्रेडेड रिस्पॉन्स में ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इनहिबिशन ऑफ एंजाइम होगी, ये दोनों बातें वो बार बार आपसे बात करेंगे। इसमें ऑल और नॉन पे क्या होगा कि बहुत ओवर डोज हो गया काम, सारे के सारे सेल्स डैमेज हो गए हैं, डेथ होगी। ग्रेडेड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसमें एंजाइम इनहिबिट होंगे तो सेल का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता जाएगा। द लेवल ऑफ द मार्कर ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस, हाँ जो पैथोलॉजिकल चेंजेस के लिए मार्कर होते हैं याद रखिएगा, ये बायोकेमिकल टेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ये मार्कर हम कोई सेल्स के अंदर होने वाले वो केमिकल जो बनते हैं उनको हम एज अ मार्कर यूज करते हैं कि ये केमिकल अगर बन गया तो ये सेल की जाकर यह डैमेज करेगा, ठीक है ना। कोई इनहिबिटर बन गया तो ये जाकर एंजाइम को इनहिबिट, वो सारी चीजें क्या होती है एज ए मार्कर यूज होती है, यानी मार्कर मार्कर हाइलाइटर होता है, मार्कर यूज टू चेक द डिफेक्ट इन द सेल, ठीक है ना, वो जो चीज चेक की जाती है इसको मार्कर कहते हैं। बोथ ऑल और नॉन रिस्पॉन्सेस एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्सेस कैन शो द टिपिकल डोज रिस्पॉन्स रिलेशन इन बोथ केसेस, ये पढ़ लेते हैं। There will be a dose at which there is no measurable effect, at upper dose where there is maximal response. कहता कि शुरू में हो सकता है कोई रिस्पॉन्स ना आए लेकिन बाद में बहुत तेजी से रिस्पॉन्स आएगा। तो उसके बाद अगर हम इसमें देखें कुछ मजीद बातें, हाँ ये बहुत अहम बात आई है। Very often toxicological study either the whole animal and isolated lethality, कितनी कोई डोज मोहलिक है, lethality मोहलिक, ठीक है। Lethality is the first parameter of toxicology utilized. Lethality के हवाले से हमें देखना है, फिर उसके बाद हमने उसका mechanism of toxicology देखा। It is often important to know that the limit of dosing, practical terms, it is not always necessary to know the lethal dose, but it is important to know where the toxicity occurs. At the dose or multiple of dose encountered by the man or animal. Encountered का मतलब है जब वो बार बार खा रहा है तो हमें देखना है, सिर्फ जहर ये नहीं देखना है कि वो जी ये जहरीली है, तो ये जहरीला सिर्फ उसके किस बॉडी में जाकर हुआ है, ये टॉक्सिसिटी ये लिथेलिटी कहाँ पर जाकर हुई है, किस किस सेल को उसने डैमेज किया, ठीक है ना। तो इस पे ये जो नीचे दो लाइनें ये आपने खुद पढ़ लेनी है, यहाँ तक अभी तक हमें जो बातें पढ़ी है ना, हाँ ये बहुत अहम बात आ गई है। और यहाँ तक अभी तक जो हमने बातें पढ़ी हैं उसमें हमने रिस्पॉन्सेज देखे हैं, डेथ रिस्पॉन्स हो सकता है, लिवर का नेक्रोसिस हो सकता है, और उसके बाद जो है ना आगे कुछ मार्कर की चेंजेस आ सकती हैं जो कि एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर इस्तेमाल हो। अब स्टूडेंट इसमें हम देखें डोज क्या है और डोजेज क्या है, ये डोज का मतलब है हम कितनी मिकदार में मेडिसिन ले रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेटेड टू द ऑर्गेनिज्म, ये डोज टोटल अमाउंट कितनी मिकदार में हम कितने मिलीग्राम में हम ये नहीं तस्वीर में देखें ना, ये मिलीग्राम में है पर के जी वेट के हिसाब से, अगर हम देखें एक बंदे का वेट इतना है तो कितने मिलीग्राम में मेडिसिन लेगा, ये देखें। और डोजेज क्या है, बंदे का साइज, बंदे का उस इंडिविजुअल का, उस एनिमल का, उस जो भी उसके पास पेशेंट है उसका जो बॉडी वेट है वो डोजेज, characteristic of the organism, body weight and surface area, समझ आ गई ना बात। कोई बंदा कितना है, अगर एक बच्चा छोटा है तो उसको हम थोड़ी मिकदार में मेडिसिन देंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात, उसको हम डोजेज करें। तो सो डोजेज इज मोर प्रिसाइज, देयरफॉर कैन बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल मिलीग्राम सब्सटेंस पर के, ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है। मेडिसिन टेबलेट्स हमेशा मिलीग्राम में होती है, ग्राम में भी होती है लेकिन मिलीग्राम में जो है ना वो ज्यादा होती है, पर केजी के हिसाब से हमें उसको देखना होता है कि ये बॉडी का वेट इतना है तो इसमें इतने मिलीग्राम मेडिसिन, ठीक। आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो यू शुड बी एबल टू नो दैट कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो देखें कितने मिलीग्राम में है, ठीक है ना। और वो अगर आपने उसकी डोज आप डबल करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा हो सकता है। हाँ अगर आपको वो टेबलेट उतने मिलीग्राम में नहीं मिल रही
उससे हाफ मिलनी है, एक मेडिसिन है 400 मिलीग्राम, दूसरी है 200 मिलीग्राम, तो आप 200 की दो दफा खा लेंगे, डोज का लेवल तो स्टूडेंट्स ये डोजेज आपने अब देख लिया कि डोजेज का मतलब क्या है, मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, ये डोजेज यही वो आपको यहाँ पर ग्राफ में भी दिखाना चाहिए, उसी हिसाब से रिस्पॉन्स होगा जी। ऑल और नन के हवाले से वो बात कर रहा है यहाँ पर, इसमें अब हम चलते हैं इनकी जो मेन पॉइंट्स हैं रिसेप्टर्स के हवाले से। तो याद रखें किसी भी सेल के अंदर जब कोई मेडिसिन एंटर होती है, कोई केमिकल एंटर होता है, कोई भी फार्माकोलॉजिकल जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो एंटर होगा, तो रिसेप्टर्स उसके साथ होंगे, रिसेप्टर उस लाइजेंट को, लाइजेंट कहते हैं जो बाहर से चीज अगर बाइंड करती है, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा, उसको वो बाइंड कर लेते हैं फिर वो सेल के अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना। ये देखें जरा, रिसेप्टर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स विद टॉक्सिक इफेक्ट, the presence of the receptor seems to be limited, a few well understood receptor toxic interaction, ye receptor ki wajah se jo hota hai, dekhen ye jo iska hai hiv virus hai, hiv jo hai ye hamare lymphocyte ke upar jab aata hai na helper t lymphocyte ke upar, to uske upar cd4 receptors hote hain, ye aapne padha hoga, उन रिसेप्टर के साथ जाकर वो बाइंड करता है, अगर रिसेप्टर ना हो या उन रिसेप्टर को चेंज कर दिया जाए तो वो वायरस आकर अटैच नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें, वो एक एग्जांपल हमें दे रहा है, कहता है कि एक है एराइल हाइड्रोकार्बन हाइड्रोलेज रिसेप्टर होता है एंड द नंबर ऑफ द एरोमेटिक बेंजीन का कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है TCCD डिक्सोजिन, ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये किसके साथ, डिक्सोजिन किसके साथ बाइंड करेगा, इस AH के साथ, AH क्या है इसका रिसेप्टर। इट इज पॉसिबल दैट मेनी टॉक्सिक रिस्पॉन्स डोंट इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द रिसेप्टर, इट इज मोर लाइकली, अगर हम इसको मजीद देखें, हाँ, टॉक्सिक इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंजाइम फंक्शन, सॉरी डिस्टर्बेंस इन द एंजाइम फंक्शन, यानी रिसेप्टर ऐसा डिस्टर्ब नहीं होगा, रिसेप्टर जब उस लाइजेंट को उस केमिकल को सेल के अंदर लेके आ जाएगा तो सेल के अंदर एंजाइम्स और मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये वो आपको समझाना चाह रहा है। सम इम्पोर्टेंट टॉक्सिकेंट्स इंटरेक्शन विद अ पर्टिकुलर प्रोटीन एंड एंजाइम टारगेट डोज अंडरलाइज द टॉक्सिक इफेक्ट, तो कहते हैं कि हमें बहुत सारे इस तरह की एग्जाम्पल मिलती हैं, ये एक और एग्जांपल वो यहाँ पे हमें देगा, ये साइनाइड के बारे में कहते हैं द टॉक्सिसिटी ऑफ साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये आपको पता है कि ये दोनों पॉइजन है, साइनाइड भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, इंटरेक्ट विद द इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद द डिस्टर्बेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ साइट ऑफ, ये इनका टारगेट है साइटोक्रोम प्रोटीन और हीमोग्लोबिन, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि साइटोक्रोम कहाँ पर इन्वॉल्व होता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसका पार्ट था, रेस्पिरेशन का, ठीक है ना, जो आपको एनर्जी दे रहा। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि ये सेल के अंदर जाकर ये जो पॉइजन हैं, ये साइटोक्रोम सी को ये आगे आएगा तो हम अगले चैप्टर में इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और हीमोग्लोबिन को जाकर डिस्टर्ब करेंगे। The toxic effect of these two compounds are direct result of these interaction and magnitude of these. So depend upon the toxicant bound to the protein. जब ये toxicant इन proteins के साथ bound करेंगे तो वो depend करता है कि कितनी concentration में bound कर रहा है। अगर वो ज्यादा bound कर रहा है तो वो immediate उसका effect होगा, अगर dose ज्यादा दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, the more molecule of the protein occupied in the chemical, greater will be the toxicity. ये तो आपको पता है, जितना जितनी किसी चीज की मिकदार बड़ी है उतना उसका असर बड़ा होगा। There will be the concentration of toxic compound at which all of the molecule of the receptor are occupied. अच्छा जी, आगे हम ग्राफ पे चलते हैं, कहते हैं कि हमें कर्व मिलती है, the relationship give rise to the dose response curve, it is beyond the scope of this book. कहते हैं कि ये इस तरह की कर्व जो हमें मिलती हैं, therefore the interaction of the dose response is, dose response की तीन assumption उसने बताई है। पहला क्या assumption है,
The response is proportional to the concentration at the target site. Target site पे कितनी मिकदार में medicine गई है उस तरह का response आएगा. यानी response का पहले एक तो medicine से कि target site पे है, क्या वहाँ पर receptor है, फिर उन receptors के साथ उसने bind किया है कि नहीं किया. The interaction, sorry, the concentration at the target site. दो ही बात है. Target site कितने हैं उसके ऊपर cellular level पे कितने cells ऐसे हैं जो इस डोज के साथ बाइंड करेंगे. जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रिस्पॉन्स होगा. रिस्पॉन्स इज कॉज्ड रिलेटेड टू द कंपाउंड एडमिनिस्ट्रेशन. जितना फिर आप अगर सारा कुछ है तो फिर आप कितना कंपाउंड ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है. टारगेट साइट माइट बी रिसेप्टर इन विच द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज. यानी टारगेट साइट से मुराद क्या है, उन सेल्स के पास वो रिसेप्टर्स होने चाहिए. वो रिसेप्टर्स होंगे तो वो आगे उस तरह का इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है ना. इसके जनाब आगे हम एग्जांपल देते हैं. सम टॉक्सिक इफेक्ट्स सच एज द लिवर नेक्रोसिस कॉज्ड बाय द पैरास्टामोल. अब अच्छा ये इसमें आप पैरास्टामोल और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दो पॉइजन है जो लिवर नेक्रोसिस करते हैं. ठीक है जी. तो आप जानते हैं कि हम आम रूटीन में पैरास्टामोल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसमें पैरास्टामोल का कि आप इसको इस्तेमाल ना करें इतना ज्यादा. कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनका भी तलक किसके साथ है, इनके रिसेप्टर्स के साथ. लिवर जो कि द डोज रिस्पॉन्स मे बी डेमोंस्ट्रेटेड सिंपल टॉक्सिक एंड रिसेप्टर इंटरेक्शन. रिसेप्टर होंगे तो डोज ज्यादा इफेक्ट करेगी, अदरवाइज. ठीक हो गया जी. यानी डोज रिस्पांस में अब हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वो रिसेप्टर्स. द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द टॉक्सिक एज अ रिजल्ट ऑफ वैरायटी ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ टार. ये करता क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, एंजाइम को डैमेज करता है. ठीक है जी. तो अब कहता है कि इन्वॉल्व जीन्स बीइंग स्विच ऑन और ऑफ और द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सच एज अ चेंज इन द ब्लड प्रेशर. इन इनकी वजह से फिर क्या होता है कि जब सेलुलर लेवल पे चेंजेस आती हैं, कुछ जीन की भी प्रिस्क्रिप्शन है, जीन्स भी स्विच ऑन ऑफ होते हैं और आपका फिर बॉडी में बीपी का लेवल भी इंक्रीज होता है. इसके बाद देर आर सम वेल रिसर्च्ड एरिया वेयर द रिसेप्टर आर क्रूशियली इन्वॉल्व. यानी यही तो रिसेप्टर का भी आप कहते हैं, वो हमने और भी देखे जिनमें रिसेप्टर का बहुत ज्यादा रोल है, प्रोमिनेंट रोल. उसमें जनाब एक ये एक्सोजिन है, कंपाउंड है. हियर द इंटरेक्शन विद एएच रिसेप्टर. ये क्या था, एएच रिसेप्टर दैट लीड टू द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द साइटोक्रोम P450. ये इस प्रोटीन की मिकदार को ये बढ़ा देगा. यानी एक्सोजिन जाएगा एएच रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. एएच रिसेप्टर आपने ऊपर पढ़ा था, एराइल कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर है ये, सॉरी हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर ये है. हाँ, एराइल हाइड्रोकार्बन हाइड्रोलेज रिसेप्टर है, हाइड्रोलाइसिस ये करवाता है. तो ये कहता है कि जब डिक्सोजिन इसके साथ बाइंड करती है तो क्या होता है, साइटोक्रोम प्रोटीन ज्यादा पैदा होती है. सो द टॉक्सिसिटी ऑफ डिक्सोजिन ऑल्सो सीम्स टू बी रिलेटेड विद द रिसेप्टर इंट्रैक्शन. यानी जब तक ये एएच रिसेप्टर नहीं होगा तब तक डिक्सोजिन जो है ये आपके लिए टॉक्सिक नहीं. समझ आ गई ये बात. ये रिसेप्टर बेस एग्जांपल आपकी आ गई. सेकंड वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल ऑफ द रिसेप्टर इंटरेक्शन इज द पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेशन व्हिच इंटरैक्ट विद द ये पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर. ये पेरोक्सिसोम जो है ये इनके साथ आकर ये रिसेप्टर नहीं होंगे तो ये इसका कोई फर्क नहीं. तो ये दो रिसेप्टर जिस तरह इसने ये बताया आपने इसको हाईलाइट करना चाहिए. टॉक्सिक रिस्पॉन्स मे बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर द एक्सपोजर टू द सब्सटेंसेस. द शेप ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व. अच्छा अब शेप पे हम बात करते हैं, ये बड़ी अहम बात है. डिपेंड ऑन द टॉक्सिक इफेक्ट मेजर्ड. ये दो तरह की मेजर्ड क्वान्टिटीज आपके सामने आएंगी जी. मैकेनिज्म. For example, when cyanide reacts with cytochrome A3, it binds irreversibly and interact with the electron transport chain function. ये भी respiration वगैरह को जाकर damage करता है.
जब हम इसकी कर्व बनाएंगे, डायरेक्ट कर्व पे चले जाते हैं लिथेलिटी के हवाले से, तो उसमें पहला जो पॉइंट आएगा वो एल डी आएगा। एल डी जी, एल डी क्या होता है? Dosage of the substance which kills 50% of the animals in a particular group, usually determined in the acute single exposure study. यानी LD से बराबर है कि 50% डोज का इफेक्ट आएगा, 50%। ठीक है, बस दो और भी आएंगे इसके मजीद। LD value may vary in the same compound between the different group. यानी LD का मतलब है कि आपने सेम मेडिसिन दी है, लेकिन एनिमल अगर स्पेसिमन हमारा चेंज हो गया उस पर वो मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है कि वो एक सेल पे ज्यादा इफेक्ट दे रहा है एक इंडिविजुअल में, दूसरे पे वो ज्यादा ना दे रहा हो। सही है, तो एल डी के हवाले से हम बात करते हैं। अब ये देखिए ना, इथानॉल है ये 1000, ये वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस है, ये मिलीग्राम पर केजी में अगर हम देखें तो इथानॉल कंपाउंड ये जो है ये 50, ये इसका 50% का देखिए ये 10,000 सेल्स को डैमेज कर दे, ये 100, ये थोड़ी मिकदार हुई है डैमेज। ये इसकी मजीद आपको समझ यहाँ से आएगी। एल डी के साथ दो वर्ड और इस्तेमाल होंगे, ये पैराग्राफ आपने खुद रीड करना है। एल डी के साथ दो चीजें और इस्तेमाल हो रही हैं, ई डी और टी डी, इफेक्टिव डोजेज फॉर 50%, और टी डी क्या है? टॉक्सिक डोजेज फॉर 50%। उससे क्या था कि कितने परसेंट डैमेज हो रहा है, इसमें ईडी इफेक्टिव डोजेज इलाज कितने का होगा, इफेक्टिव है मोस्ट सब दवाई है, ठीक है, और टीडी क्या है, टॉक्सिक कितनी है। दोबारा सुन लें, टॉक्सिक कितनी है, इफेक्टिव कितनी है, और नुकसान कितने का पहुंच रहा है। एलडी 50% किल हो रहे, ठीक हो गया। अब इसमें हम देखें तो ये आपको ग्राफ देगा पूरे का पूरे, ये देखें ये इंडेक्स निकालना उसने एन इम्पोर्टेंट, ये यहां तक आप, ये एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन रिलेशन टू द ड्रग एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स, यानी उसके मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसकी जो साइंटिस्ट ने वैल्यूज निकाली हुई है, दिस इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ द एलडी और टीडी, टॉक्सिक इफेक्ट और इफेक्टिव डोज कितना है। तो ये परसेंटेजेस उसने ये ओवर वैल्यू दी हुई है कि अब डीडी है और ईडी है, टॉक्सिक कोटा इफेक्टिव है। सो लार्जर द वैल्यू ग्रेटर इज द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी बिटवीन द डोज ऑफ द ड्रग एंड दैट इज इफेक्टिव फार्माकोलॉजी एंड डोज दैट इज टॉक्सिक। तो जितना ये कहता है कि 50% रेशियो के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो डोज का इफेक्ट होता है, डोज जो है वो इफेक्टिव है और साथ में टॉक्सिक भी होती है। तो सेल के लिए ये नेक्रोसिस भी करती है, नेक्रोसिस किसका कॉज करती है, लिवर के सेल, ठीक हो गया जी। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका ये हिस्सा कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे आ जाता है साइनर्जी। साइनर्जी कहते हैं मिलकर काम करना, जब एक दफा आप डोज देते हैं तो असर नहीं होता, साइनर्जी इफेक्ट। उसके बाद जब आप मिक्सचर में कोई चीज देते हैं तादाद ज्यादा करते हैं तो उसके इफेक्ट सामने आते हैं। पोटेंशिएशन, पोटेंशिएशन का भी मतलब ये है कि तादाद, पोटेंशियल, बहाव, दबाव कितना उसके पास। इन मेनी एक्सपोजर केमिकल अकर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस बट इन अ मिक्सचर, दिस स्पेशली विद अ ड्रग व्हिच इज पेशेंट मेन ट्रीटेड विद अ सेवरल ड्रग्स एट द सेम टाइम। आप कोई एक ड्रग लेंगे, एक डोज लेंगे, एक मेडिसिन लेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, वो इकट्ठा जब हो जाएगा तो हो सकता है। जब हम एक कोई डोज ले रहे हैं तो वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, जब बहुत सारी डोज हम इकट्ठी ले रहे हैं तो वो हमारे लिए टॉक्सिक है। ये बस वो कहना चाह रहा है आपको इसमें, ठीक है ना। सम टाइम अनप्रिडिक्टेबल इसका इफेक्ट होता है। द सिंपलेस्ट सिचुएशन व्हेन ईच कंपाउंड हैज अ सिमिलर इफेक्ट, द ओवरऑल टॉक्सिसिटी ऑफ द मिक्सचर इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल टॉक्सिक्स। ये इसका देखें, द टू सब्सटेंसेस मे कॉज द ग्रेटर रिस्पॉन्स देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कोई एक आप मेडिसिन अगर एक एक करके खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट ऐसा नहीं हो रहा, अगर हम दो मेडिसिन इकट्ठी खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट होगा। इसको हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, ठीक है जी। जिस तरह हम देखें कि हमें अगर जिस तरह हम कुछ बंदे पर्सनल मेडिकेशन करते हैं कि बस ये कोई प्रॉब्लम हो गई, एंटी एलर्जी खा ली कुछ तरह की, तो वो उनको ठीक नहीं होती। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें पूरा एक चार पाँच जो एक डोज का पूरा वो
प्रिस्क्रिप्शन देता है वो हम कहते हैं पूरी खुराक आप खाएंगे तो ठीक होंगे, ठीक है ना। तो वो जो कलेक्टिव कोलैबोरेटिव इफेक्ट होता है उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल अगर हम दोनों टॉक्सिक के हवाले से देखें तो ये लेवर की जनाब अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगी, लेवर को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक हो गया। तो अल्कोहल भी ले रहे हैं आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेवर को डैमेज करेंगे, एंजाइम को डैमेज करेंगे, ठीक है ना। ये आपने पढ़ना ये पोटेंशिएशन इज अ सिमिलर इफेक्ट दैट द टू कंपाउंड इन अ क्वेश्चन मे हैव डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट और ओनली वन मे बी टॉक्सिक। फॉर एग्जांपल ड्रग डिसल्फेरियन एट नॉन टॉक्सिक डोजेस पोटेंशिएशन और द टॉक्सिसिटी ऑफ द अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल के ड्यूजेस को ये देंगे तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगी, ये एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को जाकर इफेक्ट। जिसको आपने बच्चों पढ़ लेना है यानी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको समझ आ गया, कोलैबोरेटिव इफेक्ट आगे आ गया, थ्रेशहोल्ड लेवल। ये आपने ना एसएससी से ये वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, थ्रेशहोल्ड का क्या मतलब है? थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है थ्रेशहोल्ड डोज एंड नॉन ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल। थ्रेशहोल्ड का मतलब है कि द लेवल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अब जब ये लेवल जो होता है ना इस पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। जितनी डोज आपको चाहिए थी आपने उतनी ले ली, आपके डोजेज के हवाले से आपकी बॉडी मास इंडेक्स के हवाले से आपने वो चीज खा ली, आपको उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये भी डोज रिस्पॉन्स में आता है। फॉर सम कंपाउंड एंड टाइप ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट इज क्लियरली बी अ डोज बिलो विच नो इफेक्ट इज शोन। तो इसमें आप ये देखेंगे, हाँ, देयर विल बी अ डोज एट विच द रिस्पॉन्स doesn't occur in any individual in the population. Alternatively, the concept could apply to the variable responses such as enzyme inhibition and enzyme inhibition वगैरह वो करते हैं threshold level। तो इसमें ये हम देखते हैं ये यहाँ से शुरू होगा, the concept of threshold dose for the toxic effect is important in the toxicology because it implies the no observed toxic effect. Again, there is generally accepted that most type of the toxic effect for carcinogenesis indicated via the genotoxic mechanism. There is a controversial issue. यानी genes के level को जो लेके जाते हैं उसमें ये controversial issue है. Carcinogens को भी देखें cancer causing. In case of carcinogens, those response when extrapolated seem to cross the x axis the margin rather than the same positive dose level. अगर वो level से ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो नुकसान पहुंचाएगी, वैसे threshold level पे वो नुकसान नहीं करती, वो response अपना start रखती है। ये देखें इसमें वो novel वाले यानी non observed, क्या था ये non observed एडवर्स इफेक्ट लेवल, नॉन ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक इज बेस्ड ऑन द नॉन ऑब्जर्व इफेक्ट। आपने वो मेडिसिन खानी जो आपको डेली बेस में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिस इज अ फैक्टर यूज टू डिटरमिन अ सेफ इनटेक ऑफ द फूड। जो भी हम चीज खा रहे हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, अगर वो हमें नुकसान पहुंचाएगी तो क्या होगा, बंद कर दो। सेफ रहने के लिए हमने क्या करना है, ये एक्सेप्टेबल डेली इनटेक हमने इस तरह की मेडिसिन लेनी जो हमें डेली बेसिस पे कोई या कोई ऐसी चीज हम खाएंगे अगर उसका वो टॉक्सिक इफेक्ट सामने आ जाएगा तो फिर हम उसको नहीं खाएंगे, ठीक हो गया ना। तो ये टर्म्स कुछ इसकी बनी हुई है। इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग थ्रेशहोल्ड लिमिट वैल्यू बनाई हुई है और मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट बनाई हुई है। इन सब का तलक ये है कि आप उस वक्त जब कोई चीज खा रहे हैं उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट आपके सामने नहीं। तो स्टूडेंट्स ये डोज रिस्पांस के हवाले से आपने चीजें देख ली हैं। डोज रिस्पांस में आपने पहले देखा कि जो डोज है और डोजेज का हमने डिफरेंस देखा है, फिर हमने रिसेप्टर्स को देखा है, ठीक है। रिसेप्टर्स के बारे में वो उसने प्रोमिनेंटली हमें बताया कि सम टाइम हम डोज लेते हैं अगर रिसेप्टर ज्यादा है उस मिकदार में है तो उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। और हमने इसमें शुरू में ऑल और नॉन पे बात की है,
फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या था कि जितनी किसी बॉडी का बीएमआई है, बॉडी का केजी में वेट है, उसी के हिसाब से आपने उसको मेडिसिन देनी है। अगर उसका वो आप ज़्यादा करेंगे उससे तो वो उसके लिए नुकसान देगा। इसको आपने पढ़ लेना है कोई बात हो तो।